गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। यहां उन्हें 3 सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने पॉटर के नागसेनी में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आतंकवाद का पोषक रहा है। घाटी में जब जब एनसी कांग्रेस की सरकार आई तब तब यहां आतंकवाद को बढ़ावा मिला। शाह ने कहा कि दोनों पार्टियां कहती हैं कि उनकी सरकार आई तो अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करेंगे। क्या अनुच्छेद 370 वापस होना चाहिए? अनुच्छेद 370 अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 के लिए कोई भी जगह नहीं है। कश्मीर में कभी भी दो प्रधानमंत्री, दो संविधान और दो झंडे नहीं हो सकते। वहां केवल एक झंडा होगा और वो हमारा तिरंगा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमने विभाजन के दिन देखे, 1990 में आतंकवाद के दिन देखे। चंद्रिका शर्मा हो या परिहार बंधु हो, सभी ने कुर्बानियां दी। मैं आज इस क्षेत्र सहित जम्मू कश्मीर की जनता से वादा करता हूँ कि हम आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर नहीं आ पाएगा। एनसी कांग्रेस ने कुछ वादे भी ऐसे किए हैं, उनकी सरकार आएगी तो इन आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं आज मां के स्थान के सामने आप लोगों को कहकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की भूमि पर आतंकवाद को फंसा। हमने विनीति और एसपीओ के तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। 303 की पुरानी भारी राइफलों की जगह इनको एसएलआर से लैस कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक ऐसी सुरक्षा ग्रिड भी खड़ी कर रहे हैं, जितने लोगों को आने की इच्छा हो कहीं से भी आ जाए, सबका अंत यही पहाड़ियों में करने का काम हमारी सेना और हमारे जवान करेंगे।